फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी अभी कुछ दिन पहले महिला दिवस था और सब लोगों ने एक दूसरे को बहुत बधाइयां भी दी थी, और महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान का दिन था कि सभी लोगों ने महिलाओं को बधाइयां दी थी। तो इस विषय पर मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी। वैसे ब्लॉग तो मैंने किसी और चीज़ के लिए बनाया है, बट मुझे याद आ गया है तो मैं बता देती हूँ महिलाओं के लिए भी कि आप लोग कितने दिल से घर के लिए लगे रहते हैं। आप लोग क्या, मैं भी और सभी महिलाएं दिल से अपने घरों में लगी रहती हैं, बिल्कुल उन काम करती हैं। जो जॉइंट फैमिली में हैं तो उनकी जिम्मेदारी और भी होती है, उनके यहाँ तो बहुत सारे मेम्बर होते हैं, उनको भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, पतिदेव को भी देखना होता है। तो इन सबको देखने के चक्कर में आप लोग अपने को इग्नोर करते हो, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। आप लोग अपने को बिल्कुल इग्नोर मत किया करिए और अपने भी खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखा करिए। जैसे आप और लोगों का रखते हैं, सेम ऐसे ही आपको अपने को भी टाइम देना है और अपनी बॉडी के लिए भी आप लोग कुछ किया करिए। जैसे आप और लोगों को न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि हमें क्या करना, हम तो घर में ही हैं, पढ़ने वाले बच्चे अच्छी डाइट लें और काम पे जाने वाले लोग अच्छी डाइट लें, बट ये रॉन्ग कंसेप्शन है। आपको खुद भी अपने को अच्छी डाइट देनी चाहिए, क्योंकि आप जो हैं आप पूरी फैमिली को देख रहे हैं। अगर आप बीमार हो गए या आपने बिस्तर पकड़ लिया तो फिर आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि पूरा घर आप ही को देखना है और आपके बीमार होते ही सारी घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, और आप अपना ख्याल रखेंगे तो घर का ख्याल ऑटोमेटिक सभी हो जाए, क्योंकि सभी लोगों को आराम करने का टाइम मिल जाता है। बच्चे बीमार होंगे वो भी आराम कर सकते हैं, पति देव बीमार होंगे वो भी आराम करेंगे, लेकिन अगर आप बीमार होंगे तो आपको देखने के लिए शायद ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाएंगे, पति देव काम पे चले जाएंगे और आपको अपनी बीमारी के साथ साथ अपना काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपना भी ध्यान रखा करें, खाने पीने का, अपनी डेली एक्सरसाइज करना और सब कुछ करना। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पर भी ध्यान देंगे तो लाइफ बहुत अच्छे से रहेगी, क्योंकि जो जितना आप हेल्दी रहते हैं उतना ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतती है। तो मैंने ब्लॉग तो बनाया था ये दिखाने के लिए कि महिला दिवस पर मैंने भी महिलाओं की एक बहुत ही फेवरेट चीज़ ली है। महिलाओं की फेवरेट चीज़ होती है साड़ी तो मैंने भी एक ये साड़ी मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। अभी इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक्चुअली मैं हमेशा वैसी साड़ी पहनती हूँ जैसे ऐसे ही पल्ला वल्ला लगा के जैसे नॉर्मल पहनी जाती है, बट मैंने अब की यार फर्स्ट टाइम रेडीमेड साड़ी मंगाई है जिसमें पल्ला ऐसे साइड में ऑटोमेटिक लगा हुआ है, उसको पिनअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग प्लेट्स बना के पिनअप करते हैं वैसी साड़ी नहीं है, ये साड़ी कुछ अलग टाइप की है। तो मैं आपको अभी इसका रिव्यू देती हूँ। तो ये साड़ी कुछ इस टाइप की है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ली है। कलर तो मुझे यही पसंद है, ब्लू ब्लैक आई लाइक मोस्ट। ये साड़ी कुछ इस टाइप की है, देखिए इधर से दिखाती हूँ, ऐसी है ये कुछ। ये तो इसका ऐसे पल्ला है, देखिए ये इसका रेडीमेड पल्ला बना हुआ है, देखिए ऐसे ये पूरा ऐसे रेडीमेड इसका पल्ला बना हुआ है। ये बस ऐसे साइड में ऐसे लग जाएगा ऐसे करके, तो ये इसको आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पूरी साड़ी इस टाइप की है, देखिए ये। और ये इसका ब्लाउज है, इसका ब्लाउज आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और फर्स्ट टाइम मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है।
क्योंकि अब से पहले मैंने वही प्रॉब्लम वाली साड़ी पहनी है, और उस प्रॉब्लम की वजह से मैं साड़ी पहनती भी बहुत कम हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं जाना होता है तो पहले ही डर जाती हूँ, प्लेट्स बनाओ, इधर पल्ला करो उधर करो, तो सूट ही पहन के चली जाती हूँ। तो ये इसका ब्लाउज पीस रहेगा, इसको जैसे भी चाहें आप अच्छे से जैसा भी डिज़ाइन चाहें सिलवा सकते हैं, बट मैं अगर आपको इसको जब ट्राई करके आगे वीडियो में दिखाऊंगी तो किसी भी ब्लाउज पर पहन के दिखा दूंगी। इस साड़ी का सबसे अच्छा मुझे पल्ले ही लगा। चलिए मैं इसे रख देती हूँ, इसके बाद जब इसको मैं पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, और एक बार फिर से आप इसे देख सकते हैं। ये इसका ब्लाउज है और ये पूरी साड़ी है, और नीचे ये ऐसे बॉर्डर लगा हुआ है, देखिए ऐसे। ओके, ये इसका नीचे ऐसे बॉर्डर है, बहुत ही प्यारा बॉर्डर है, सिंपल। अब मुझे पसंद भी ऐसी ही साड़ी आती है, बिल्कुल सिंपल सोबर, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने इसे मंगाया है। ये रहा लास्ट में इसका पल्ला, ये इसका पल्ला। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैंने ये साड़ी दिखा दी है, और जब मैं इसे ट्राई करूँगी तो आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगी हर बार की तरह, क्योंकि अब आप लोग मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, तो अपनी हर बात मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, तो जो लेती हूँ वो भी शेयर करती हूँ, और शेयर करना भी चाहिए। हो सकता है मुझे ये चीज़ पसंद आई है और भी सिस्टर्स को पसंद आए, तो वो लोग ऐसी साड़ी ले सकती हैं। और साड़ी बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल बजट में है। मतलब अगर आप ऐसे मार्केट में भी लेने जाएंगे तो शायद आपको इतनी अच्छी प्राइस में साड़ी नहीं मिलेगी। इसका प्राइस है ओनली 770 बस, और साड़ी उस हिसाब से बहुत मस्त है, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साड़ी का रिव्यू करेंगे कैसा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बिल्कुल पक्का आपको दिखाएंगे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, कि लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कर ही लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। ओके, थैंक यू सो मच।